हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुखारी टी20 लीग की, जो कि मैच होगा यहाँ से फेयरडील डिफेंडर्स वर्सेस हेमेंट प्रॉपर्टीज के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ एमिरेट्स से D20 भी शुरू हो गई है, तो उसके मैचेस के भी वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ से पॉन्डुचेरी वुमन्स T10 के वीडियोज मिल जाएंगे, इसके साथ साथ यहाँ से ECS T10 के वीडियोज मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 10 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ऐसे बैटिंग फ्रेंडली पिच है, शॉर्ट बाउंड्रीज है, बहुत ही ज़्यादा रन बनते हैं। इवन इसी टूर्नामेंट की बात करो तो एक बार यहाँ से 264 रन बन गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा है 20 ओवर के अंदर। इसके बाद यहाँ से एक बार 234 रन बन गए, और इसके साथ यहाँ से 191 और 198 और हर एक मैच के अंदर लगभग 170 के प्लस तो जाता ही है स्कोर। और आप देख सकते हो अभी तक 7 मैचेस खेले गए, इसमें आज ये 4 मैचेस के ही आप रिकॉर्ड देख सकते हो, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इधर जो है रन बहुत ही अच्छे बनते हैं। एवरेज स्कोर की बात करो तो 170 मैंने मेंशन किया, लेकिन यहाँ से 200 पार भी कभी भी चला जा सकता है। यहाँ से चेजिंग रिकॉर्ड की बात करो तो 7 मैचेस अभी तक टूर्नामेंट में खेले गए, जहाँ से 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, 2 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती। तो शारजा ये जो ग्राउंड है हमेशा से लिए या से पहले बैटिंग करने वाली टीम को हमेशा के लिए ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, तो जो भी टीम टॉस जीती के पहले बैटिंग करना ही पसंद कर सकती है। बात करते हैं ऐसे टीम फेयरडील डिफेंडर्स की, तो फरहान बाबर और या से साउद अफजल दोनों ही ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग किया। दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन दोनों का ही परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था, लेकिन अभी सामने की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी मुझे डाउटफुल लग रही है, क्योंकि HEP जो है उन्होंने ही यहाँ से सामने के टीम वालों को यहाँ से 264 रन करवा दिए थे। तो यहाँ से ये थोड़ी सी वीक लग रही है, तो बॉलिंग लाइनअप HEP की वीक लग रही है, तो मुझे लगता है तब तक के लिए FDD के टॉप ऑर्डर जो है वहाँ से अच्छा कर सकते हैं। तो ये दोनों ही प्लेयर्स के ऊपर आप नज़र रखें, इन दोनों को ही लेके जा सकते हो। बाकी ये देखो इनके ऊपर ज़्यादातर जनता की नज़र होने वाली नहीं है, ऐसे अली शहजाद की, या फिर इनको शहजाद अली बोलो या अली शहजाद बोल दो। तो ये जो प्लेयर्स है लास्ट मैच के अंदर एक रन किया, लेकिन तगड़ा प्लेयर्स है, ऐसे हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर्स है। अगर कभी खेल जाता है तो ऐसे 50 प्लस स्कोर आराम से मार के दे सकता है, अगर 20-25 गेंद खेल गया तो बहुत बड़ा स्कोर इनकी तरफ से आ सकता है। तो डिफरेंशियल वे में इवन ग्रैंड लीग वगैरह में इस प्लेयर को जरूर ट्राई करना है आपको। स्मॉल लीग के लिए भी आप इनको लेके जा सकते हो, हेड टू हेड में भी लेके जा सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेयर्स है। इवन जब भी बॉलिंग करवाएगा तो यहाँ से विकेट वगैरह भी चटका सकता है। सैयद एम शकलन की बात करूँ, प्लेयर्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिसेंटली फॉर्म थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, तो इनको डिफरेंशियल वे में 4 मेंबर 5 मेंबर वाली लीग में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए थोड़े बहुत रिस्की रहेंगे। तो बात करें यहाँ से रिजवान अमानत अली की, तो लास्ट मैच में हमारे वाइस कैप्टन थे ये, और इनका सिलेक्शन ही काफ़ी कम था, और हमारे को वन साइडेड विनिंग करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की रिजवान अमानत अली ने। 69 रन किए, साथ में 3 ओवर्स की गेंदबाजी भी की और एक विकेट भी निकाला। तो ये बंदा हर एक मैच के अंदर बैटिंग से बॉलिंग से दोनों इसे अच्छा कर सकता है, तो एज अ प्लेयर अभी तो सारी जनता लेके जाएगी, तो हमें उनको लेके जाना पड़ेगा। इवन ज़्यादातर जनता इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके भी आ सकती है, तो आप भी चाहो तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके जा सकते हो। इवन मेरे तो पहली मैच के अंदर यहाँ से वाइस कैप्टन रह चुके थे, तो एक बार फिर से मैं इनको करके जा सकता हूँ। बाकी हैदर अली बट लास्ट मैच के अंदर 5 रन किए, लेकिन प्लेयर से ये भी अच्छा है, तो रिस्की तौर पर लेना हो तो ले सकते हो। बाकी स्मॉल लीग के लिए थोड़े बहुत रिस्की रहेंगे, तो स्मॉल लीग के लिए मैं प्रीफर ना करूँ, लेकिन यहाँ से शाकिर अली को स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल प्रीफर कर सकता हूँ। यहाँ से बैटिंग से मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लास्ट मैच के अंदर 18 रन जरूर किए, लेकिन मुझे उनसे बॉलिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और बॉलिंग से मुझे लगता है तब तक के लिए दो या तीन विकेट निकाल सकते हैं, तो इनको डिफेंसिव में ट्राई कर सकते हो। बाकी मोहम्मद जमीर की बात करें तो लास्ट तो मैच पहली बार यहाँ से इनके साथ खेले हैं, यहाँ से फेयरडील डिफेंडर्स की तरफ से पहली बार खेले लास्ट मैच के अंदर, जहाँ पर 4 ओवर्स की गेंदबाजी की, एक विकेट भी निकाला, और जहाँ पर सबकी पिटाई हो रही थी वहाँ पर इस बंदे ने 4 ओवर्स पूरी की। अच्छी बात
अच्छी बात है, और एक विकेट भी निकाला। देखो फेयरडील डिफेंडर्स भी लास्ट मैच हार के आ रही है, सामने वाली टीम भी यहाँ से हार के आ रही है, तो इनको डिफेंसिव लेवल में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर जनता इनको लेके आ सकती है, तो सेफ भी रहेंगे। बाकी वहाब हसन ने लास्ट मैच के अंदर 16 रन की पारी भी खेली और साथ में एक विकेट भी निकाला, तो आई थिंक ये शायद आगे आगे भी कंटिन्यू करवा सकता है 4 ओवर्स, तो इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ये तो टीम की कैप्टनशिप करवा रही है, लेकिन ये भाई साहब जो है हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स नहीं करते यासिर महर्षि, लेकिन विकेट हर एक मैच के अंदर इनके नाम रहेगी ही रहेगी। तो अगर इन तीनों में से किसी को ज्यादा मैं प्रीफर करता हूं तो ऐसे मोहम्मद यासिर महर्षि को प्रीफर करता हूं, ऐसे मोहम्मद यासिर महर्षि आपकी टीम के अंदर डेफिनेटली होना चाहिए। दानिश कुरैशी ने भी लास्ट मैच के अंदर 2 ही ओवर्स की गेंदबाजी की, तो कि मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा, आई थिंक ये पूरी ओवर्स करवाने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे ओवर्स पूरी करवा सकते हैं। स्टार्टिंग ओवर्स में दानिश कुरैशी के साथ यहाँ से मोहम्मद जमीर आए थे, और डेथ ओवर्स की बात करो तो मोहम्मद यासिर, मोहम्मद सागिर और यासिर शकलन, मोहम्मद SM यानी कि सैयद M शकलन हम डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की थी लास्ट मैच की बात करो। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम में पहुँचा दूंगा, ताकि आपको वहाँ पर आसानी रहे टीम में चेंजेस वगैरह करने की, तो टेलीग्राम से जुड़ जाए क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिलती रहती है, और वो कोई नया प्लेयर अगर ऐड भी होता है तो उसकी अपडेट भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो ये कुछ है, तो ये आपको इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है। तो बाकी बात करते हैं ऐसे टीम HEP की, तो ये भी एक मैच हार के आ रही है और काफ़ी बुरी तरह से हार गई है, 136 रन से हार के आ रही है, यानी कि सामने वाली टीम ने 264 रन किए थे और ये भाई साहब 136 रन से हार के आ रही है। हरिकृष्णन वलोली और हारून अल्ताफ ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग किया। देखो ये टीम बहुत ही ज़्यादा दबाव में थी, तो शायद इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रहा, लेकिन आई थिंक दोनों ही प्लेयर्स अच्छे, तो इनके ऊपर भरोसा करके इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी शेफ खान ने लास्ट मैच के अंदर 1 डाउन खेले थे, जहां पर 1 ओवर की गेंदबाजी की और विकेट नहीं मिला, लेकिन बैटिंग अच्छी कर लेते। हालांकि इनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स भी मैं आपको टेलीग्राम में जरूर पहुंचा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़े रहेगा, क्योंकि इस प्लेयर का भी आज अगर खेलेगा तो इनके स्टेट में टेलीग्राम में जरूर पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे। बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन से ऐसे राजीव दुधेजा एक अच्छी चॉइस रहेंगे, बैटिंग से हर एक मैच के अंदर कमाल कर सकते हैं, तो इनको डेफिनेटली मैं लेके जाऊंगा। बाकी उमर सवादी ने लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर की गेंदबाजी की, तो इनको शायद ओके ओके पिक रहेंगे, वगैरह में ट्राई कर सकते हो। बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड ठीक ठाक है, ऐसे 3 मैच के अंदर 3 विकेट है, 7 ओवर की गेंदबाजी करते हुए आ रहे हैं, तो इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी राकेश रावत तो स्मॉली के लिए बहुत रिस्की रहेंगे। बाकी मोइज वकार जरूर डेफिनेटली मैं लेके जाऊंगा, बैटिंग से भी किया, देखो बैटिंग से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, लास्ट मैच के अंदर बैटिंग ऑर्डर तो काफी नीचे था, ऐसे 7वें नंबर पर बैटिंग की। इवन अगर देखो अगर टॉप ऑर्डर खेल जाता है तो फिर इनका खेलने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, तो बैटिंग से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा सकते हैं और एक दो विकेट भी चटका सकते हैं, तो इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी डिफरेंशियल वे में ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना चाहो तो ऐसे मोहम्मद फरहान आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, इनको ट्राई कर सकते हो। फराज भी प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, 161 मैच के अंदर 223 विकेट है, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन आगे आपको पूरी ओवर करता हुआ नजर आएंगे, तो फराज को जरूर लेके जाइएगा, ये अच्छी पिक है, इनको डेफिनेटली ट्राई करेगा। बाकी मोहम्मद अब्दुल्ला लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाले, तो ये आपकी टीम के अंदर होने चाहिए। बाकी अजीत नासिर अंसारी तो खेले नहीं, उनके बारे में लास्ट में बात करेंगे, आएंगे तो खेलेंगे तो बात करेंगे इसके बारे में, टेलीग्राम में बात करेंगे। लेकिन हरीश चंद्रशेखरन थोड़े से ओके ओके पिक रहेंगे, इनको ग्रांड लीग वगैरह में या फिर ऐसे रिस्की खेलते हो 4 मेंबर 5 मेंबर वाली लीग में, आपको हरीश चंद्रशेखरन को लेके जाना है। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करते तो मोहम्मद फरहान और मोहम्मद वकार आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, और देश ओवर्स में मोहम्मद फरहान और यहाँ से मोहम्मद अब्दुल्ला आपको देश ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ से ये दोनों ही प्लेयर्स एक अच्छी पिक बन सकते हैं आपके लिए। कौन से 2 प्लेयर्स, यहाँ से फरहान और यहाँ से अब्दुल्ला, दोनों बैच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे वहाँ पर चेंजेस वगैरह करने की। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं हारून अल्ताफ को अभी के लिए पिक किया है, दुधेजा भी बेस्ट पिक है, इनको भी ले सकते हो या फिर इनको ले सकते हो, लेकिन हमें एक ही विकेट कीपर के साथ जाना है, तो हारून अल्ताफ थोड़े से ऊपर से खेले थे इसके लिए मैंने इनको पिक किया है। बाकी मेरा मन तो यहाँ से दुधेजा के साथ जाने का है, दोनों विकेट कीपर को लेना चाहो तो दोनों को ले सकते हो, लेकिन फिर यहाँ से दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं बैटिंग सेक्शन से बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला हूँ। देखो शकलन SM सैयद M शकलन और यहाँ से WHASAN तो हर एक टीम के अंदर रहेंगे, तो इनको हम लेके जाएंगे। बाकी मैंने यहाँ से S Ali यानी कि शहजाद अली, जो कि वहाँ पर मैंने नाम लिखा था अली शहजाद, तो इनको मैंने पिक किया, जिनका सिलेक्शन सिर्फ यहाँ से 5% है, लेकिन ये भाई साहब बहुत तगड़ा मारते हैं, तो हिट एंड मिस टाइप है, लेकिन खेल गया तो हमको 1-sided विनिंग करवा सकता है, तो ये मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है। इवन यहाँ से S खान के ऊपर रिस्क लिया है, S खान मीन्स यहाँ से सैफ खान, जो कि 1 डाउन भी खेले थे और 2 ओवर की गेंदबाजी भी की थी, तो बैटिंग से बॉलिंग से दोनों से अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ से S खान को लिया है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो मोहम्मद शाकिर खान, यहाँ से राहत रिजवान, अमानत अली और M वकार हमारी टीम के अंदर रहेंगे,
बाकी वलोली को ले सकते हो किन की जगह पर, यहाँ से एस खान की जगह पर। देखो अगर किसी को ड्रॉप करना है यहाँ से तो एस खान को करिएगा, एस अली जो है वो बड़ा प्लेयर है, मैं इनको मानता हूँ भाई। तो इनकी जगह पर वलोली को ले सकते हो, वलोली को नहीं लेना हो तो यहाँ से स्वादी को ले सकते हो, और स्वादी को भी नहीं लेना तो यहाँ से एक आधा बॉलर्स को ले सकते हो। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो मोहम्मद यासिर महर्षि, मोहम्मद अब्दुल्ला और यहाँ से मोहम्मद फराज हुसैन हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी इस बंदे के ऊपर पूरा देश ले सकते हो, काफ़ी तगड़ा प्लेयर है, कभी भी आपको 2-3 विकेट एक साथ में लेता हुआ नजर आ सकता है, तो इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अभी के लिए मेरी टीम कुछ इस तरह से बनेगी कि कैप्टन हमारे रहेंगे राहत ही याद आ रहा है, रिजवान अमानत अली और शाकिर खान मेरे वाइस कैप्टन रहने वाले, जिनसे मुझे बॉलिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसके लिए मैंने शाकिर खान को लेकर जा रहा हूँ। लेकिन याद रहे डेमो टीम है, फाइनल टीम टेलीग्राम में मिलेगी, फाइनल लाइनअप के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है। इनके से अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी रिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी वाइस कैप्टन के ऑप्शंस की बात करो तो अगर रिस्क ले सकते हो तो यहाँ से एस अली के ऊपर रिस्क ले सकते हो, और बाकी एम यासिर महर्षि एक अच्छा प्लेयर है, इनको वाइस कैप्टनशिप दे सकते हो, हारून अल्ताफ भी है, तो ये कुछ प्लेयर है जिनको आपको वाइस कैप्टनशिप देना चाहो तो दे सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।